हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 18th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और सबसे आखिर में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है, कुछ अहम जानकारी। प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत 17 मार्च को ही हो चुकी है और हमारा ये कोर्स 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि एकदम फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग कवर करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पता करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐसी तमाम डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर और वो है इंडियन लिटरेचर। अब दोस्तों, इंडियन लिटरेचर पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, मेंस में शायद ही इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा? एक तो आपको लिटरेचर का नाम पता होना चाहिए, उसका नेम क्या है, उसका ऑथर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है, और हाँ, चौथी चीज़ है उसका टाइम पीरियड, इस पे भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चार चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था वैदिक लिटरेचर, और इसमें भी मेनली हमने देखे थे वेद, जैसे कि ऋग्वेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में हमको किस चीज़ का कलेक्शन देखने को मिलता है, हमने डिस्कस किया था, इसमें हमको हाइम्स देखने को मिलती है, जो मंत्र होते हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सामवेद, सामवेद में हमको म्यूजिक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, प्रोसीजर, कि जो सेक्रीफाइज आप कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसीजर यूज होगा, वो सब डिटेल्स हमको मिलती हैं यजुर्वेद में। और सबसे एंड में आता है अथर्ववेद, और इसमें हमको क्या मिलता है, चार्म्स एंड स्पेल्स, ये हमको अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछा जा सकता है। जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो उसका रिलेशन दो ऋषियों से माना जाता है, नंबर वन इज अथर्व एंड नंबर टू इज अंगिरा, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और फ्रेंड, जब हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि बुक ऑफ चैंट्स किस वेद को कहा जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा हमने काफ़ी सारे और भी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो डिस्कस किए थे, जैसे कि उपनिषद, पुराण, ब्राह्मणा, अरण्यका, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो हमने वैदिक पीरियड वाला लेक्चर लिया था उसमें हम ये सब चीज़ें डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की हैं, वो सभी चीज़ें
आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है पाणिनि के अष्टाध्यायी से, क्योंकि इस बुक से शुरुआत होती है संस्कृत ग्रामर की। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए पाणिनि और इनके द्वारा जो संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी गई थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। इसके बाद अभी जो संस्कृत लिटरेचर है इसमें हमको ड्रामा भी देखने को मिलता है, मीन्स नाटक, और कुछ हमको पोइट्री भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्रीफली हम इसको कवर करेंगे। और जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कालिदास का। फ्रेंड्स, इनका ये जो टाइमलाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टाइमलाइन वाले काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, कालिदास से जुड़े तीन ड्रामा बहुत फेमस हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है मालविका अग्निमित्रा। अब फ्रेंड्स, इसमें ये कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, इसकी बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए। ये एक लव स्टोरी थी और इसके दो कैरेक्टर कौन थे, मालविका जो कि एक क्वीन थी और अग्निमित्रा। अब फ्रेंड्स, ये अग्निमित्रा पुष्यमित्र सुंगा के बेटे थे, उनके सन थे, तो ये आपको याद होना चाहिए, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज विक्रम उर्वशी एंड लास्ट वन इज अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें फ्रेंड्स ये भी एक लव स्टोरी है जो कि किंग दुष्यंत थे और शकुंतला, उनके बीच की एक लव स्टोरी इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है शूद्रका का, और ये इनका संबंध था 5th century CE से। ठीक है, कॉमन एरा। इनकी जो सबसे फेमस ड्रामा है वो है मृच्छकटिका, इसको बोलते हैं द लिटिल क्ले कार्ट। फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। अब ये जो मृच्छकटिका है ये भी एक लव स्टोरी है, और इसमें दो कैरेक्टर कौन से हैं, नंबर वन चारुदत्ता और वसंत सेना, इन दोनों के बीच के लव अफेयर को इस ड्रामा में बताया हुआ है। फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। अगला नंबर आता है विशाख दत्ता का, 6th century CE, और इनके द्वारा लिखे गए दो प्ले हमारे सामने हैं। नंबर वन इज मुद्रा राक्षसा, इसमें बेसिकली दोस्तों वो पूरी कहानी है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को पावर मिलती है, वो पूरी कहानी, वो पूरी स्टोरी इस ड्रामा में नरेट की गई है। ठीक है, अगला आता है देवी चंद्रगुप्तम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, ये जो देवी चंद्रगुप्तम जो प्ले है, देखिए इसमें इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है किंग रामगुप्ता। ये कौन थे, चंद्रगुप्त के बड़े भाई। ठीक है, साक रूलर से इनकी फाइट होती है, ये हार जाते हैं, और उसके बदले में एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इनको साइन करनी होती है। और वो ट्रीटी क्या होती है कि इनको अपनी वाइफ को भेजना होगा साका किंग के पास। काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ये ट्रीटी होती है। एंड फ्रेंड्स, जब रामगुप्ता के छोटे भाई चंद्रगुप्त को इसके बारे में पता चलता है तो काफ़ी उनको गुस्सा आता है, वो जाते हैं लड़ाई करने, रामगुप्ता को भी मार देते हैं और जो साका रूलर होता है उसको भी मार देते हैं, और फिर जो इनकी वाइफ थी ध्रुवा देवी उनके साथ शादी कर लेते हैं। ये पूरी कहानी बताई हुई है देवी चंद्रगुप्तम में। एंड दोस्तों, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृच्छकटिका पे सवाल पूछा जा चुका है, मुद्रा राक्षसा पे भी पूछा जा चुका है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम पे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, और ये बहुत ही फेमस एक प्ले है। इसके बाद नंबर आता है भावभूति का, और इनके द्वारा जो प्ले लिखा गया था वो था उत्तर रामचरितम। इसमें फ्रेंड्स, जब राम वापस अयोध्या आते हैं उसके बाद की जो लाइफ होती है उसको इस प्ले में दिखाया गया है, मीन्स जो लव कुश वाली स्टोरी होती है, ठीक है, वो सब आपको इस वाले प्ले में देखने को मिलेगी। फिर नंबर आता है भाषा का, 3rd to 4th century BC में मानते हैं कि ये रहे होंगे, और इनके द्वारा जो प्ले लिखे गए थे उनका नाम क्या है। सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है स्वप्न वसावा दत्ता। दोस्तों, इसके जो कैरेक्टर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो मेल हैं वो है वत्स किंग उदयना, और जो फीमेल है वो है अवंती के जो किंग थे उनकी बेटी, ठीक है, और वो किंग कौन थे, प्रद्योता, और उनकी बेटी का नाम था वसावा दत्ता। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये कैरेक्टर आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा इन्होंने और भी प्ले लिखे हैं, जैसे कि पंचरात्रा, ठीक है, द फाइव नाइट्स, उरुभंगा। इस उरुभंगा में जो कहानी है वो है दुर्योधन की और जो भीम के साथ जब उनकी फाइट हो रही है, तो ये पूरा सीन, ये पूरी स्टोरी बताई गई है उरुभंगा में। फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हर्षवर्धना, जब हम हर्ष डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये वही हर्षा हैं। इनके द्वारा भी तीन ड्रामा लिखे गए थे, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, आपको इनको याद रखना होगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं पोइट्री की। हमने ड्रामा देख लिया, अब हम बात करते हैं पोइट्री की। और सबसे पहला नंबर ऑब्वियसली बात है आएगा कालिदास का, ठीक है। अब इन्होंने जो पोइट्री लिखी है वो भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि कुमार संभवा। अब फ्रेंड्स, ये जो कुमार संभवा है, इसमें बेसिकली पार्वती और शिवा के बीच की मैरिज को बताया गया है, और उसके बाद जो बर्थ होती है कुमार कार्तिकेय की, उसकी पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है। और इसमें कुमार मतलब क्या है, कार्तिकेय, जो लॉर्ड कार्तिकेय हैं उनके बारे में पूरी ये कहानी बताई गई है। अगला जो पोइट्री है वो है रघुवंशा। फ्रेंड्स, इसमें रघु डायनेस्टी, जैसे लॉर्ड राम है उस वाली डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उनके बारे में पोएम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है मेघदूता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें कहानी यह है कि दो लवर्स होते हैं, ठीक है, और वो लवर्स मैसेज भेजते हैं थ्रू क्लाउड, इसीलिए इसका नाम है मेघदूता, द क्लाउड मैसेंजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन आता है ऋतु संहारा। फ्रेंड्स, इसको मेडली ऑफ सीजन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली सिक्स सीजन्स को डिस्क्राइब किया गया है, और इसके लिए जो दो लवर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को नरेट किया गया है, कि जो डिफरेंट सीजन्स हैं उनमें उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, उसको इस पोइट्री में उसको नरेट किया गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हरिसेना, और ये जो हरिसेना थे ये कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के। इन्होंने इलाहाबाद पिलर पे काफ़ी कुछ लिखा है। एंड दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, तो ये इसका एक नाम भी है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। देन आता है जय देवा, और इन्होंने लिखा था गीत गोविंदा। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें बेसिकली कृष्ण और उनका क्या रिलेशन है, राधा और वृंदावन की गोपियों के बीच में वो पूरी जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। इसके बाद आता है भैरवी, 550 AD, और इनके द्वारा जो पोइट्री लिखी गई थी उसका नाम क्या है, किरात अर्जुनियम। फ्रेंड्स, अगर आपने महाभारत देखी हो तो जो अर्जुन थे वो प्रेयर करते हैं लॉर्ड शिवा की, क्योंकि उनको एक अस्त्र, एक वेपन चाहिए होता है, पाशुपतास्त्र। तो वो पूरी जो कहानी है वो यहाँ पे बताई हुई है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आपको केवल नाम वगैरह ही याद करने हैं और उनकी थीम क्या है उससे हमारा काम चल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारे संस्कृत टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, बुद्ध चरिता, ये लिखी थी अश्वघोषा ने। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अश्वघोषा है उन्होंने एक दूसरा भी संस्कृत टेक्स्ट लिखा है, उसका क्या नाम है, सौंदर नंदा। फ्रेंड्स, ये नंदा कौन है, ये बुद्धा के हाफ ब्रदर थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अश्वघोषा, बुद्ध चरिता, ये हमको हमेशा याद रहता है बुद्ध चरिता, लेकिन सौंदर नंदा हमें याद नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं, नंबर वन ही चरक संहिता और दूसरा है सुश्रुत संहिता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों, चरक 100 BCE इन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता, जो कि एक मेडिसिन पे एक बुक मानी जाती है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्लांट को, किस हर्ब को आपको मेडिसिनल पर्पस से यूज करना है, बेसिकली ये आयुर्वेद की बात करती है, ठीक है। इसके 8 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, इन सब के बारे में ये बात करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, कि इसमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है रादर देन क्योर पे। फ्रेंड्स, इसको आप करंट इवेंट से लिंक कर सकते हो, अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो प्रिवेंशन पे फोकस होना चाहिए, भाई घर के अंदर रहो, ठीक है, बाहर मत निकलो, तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो। अगला नंबर आता है सुश्रुत संहिता का।
फ्रेंड्स, ये बुक सर्जरी पे बुक मानी जाती है और इसमें किस चीज़ पे बात की गई है, प्रॉब्लम्स ऑफ सर्जरी एंड अब इस्टेट्रिक्स, इन दोनों के बारे में इसमें बात की हुई है। फ्रेंड्स, अब इस्टेट्रिक्स क्या होता है? ये जो बर्थ वाले जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब इसमें डील किए जाते हैं, एक तरह से गाइनिक आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम एंशियंट टेक्स्ट की बात करें तो उसमें सर्जरी को बताया गया है शास्त्र कर्मा, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब फ्रेंड्स, ये जो सुश्रुत थे इन्होंने खुद से भी सर्जरी करी थी, जैसे कि राइनोप्लास्टी। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी की नोज को रिपेयर करते हो, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हो, उसको कहा जाता है राइनोप्लास्टी, वो इन्होंने की थी। इसके अलावा आप इस फोटो में देख सकते हैं द इजेक्शन ऑफ कैटारेक्ट्स। फ्रेंड्स, कैटारेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद, तो उसका भी ऑपरेशन इन्होंने किया था, ठीक है। फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम था, ये इंडिया से पहुंचा तिब्बत, चाइना, किनके थ्रू? जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्ग थे उनके थ्रू ये जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम था ये इंडिया से पहुंचता है तिब्बत, चाइना में। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा यूनानी दवाखाना, ठीक है। यूनानी सिस्टम ये इंडिया में आया था ग्रीस से, और वो कौन सी बुक है? उसका नाम है फिरदौसु हिकमत, और ये लिखी थी अली बिन रब्बन ने। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि कल्हान की रजत रंगिनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कश्मीर के किंग्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे पाली एंड प्राकृत की। एंड दोस्तों, जब हम पाली एंड प्राकृत की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को तो जानते हैं कि जो कॉमन पीपल होते थे वो इस लैंग्वेज को बोलते थे, और जो बुद्धा थे, महावीरा थे, इवन अशोका, उन्होंने भी पाली एंड प्राकृत इसी लैंग्वेज का यूज़ किया था ताकि अपना जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब फ्रेंड्स, ये जो बुद्धिस्ट त्रिपिटकाज होती हैं ये तीनों पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और ये कौन कौन सी हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम्मा पिटक। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन तीनों में हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। जब हम विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है? इसमें हमको मिलते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, किसके लिए? जो मॉन्ग्स हैं, जो नंस हैं, उनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या उनका कंडक्ट होना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन हमको विनय पिटक में देखने को मिलती है। सेकंड जो आती है वो है सुत्त पिटक। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है बुद्धा की टीचिंग्स। फ्रेंड्स, आई होप आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये तीनों त्रिपिटक का हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैनिज्म, बुद्धिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बार बार रिवाइज करते रहना होगा। इसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं, और लास्ट वन आता है अभिधम्म पिटक का। फ्रेंड्स, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? फिलोसॉफिकल एनालिसिस, वो हमको यहाँ पे फिलोसॉफिकल एनालिसिस वो हमको इस टेक्स्ट में देखने को मिलता है। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारे बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट हैं जो पाली में लिखे गए हैं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दीपवंशा। फ्रेंड्स, ये भी पाली में लिखा गया है, इसको क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड भी कहते हैं, और इसमें पता है क्या मेंशन किया हुआ है? कि बुद्धा की विजिट हुई थी श्रीलंका, ठीक है, और जो बुद्धा के रिलिक्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको इसमें से मिलती है। देन मिलिंद पाना, ये हमने डिस्कस किया था, ये भी पाली में है। देन महावंशा, फ्रेंड्स ये जो महावंशा है ये जो किंग विजया है साउथ एशिया के, ये उस जमाने की एक पोयम है, ठीक है, 3rd-4th century BC की, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये लिखी गई है पाली लैंग्वेज में। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं या फिर जो मिक्स लैंग्वेज होती है, जैसे कि महावस्तु, ठीक है, ये मिक्स संस्कृत पाली एंड प्राकृत में लिखी हुई है।
एंड लास्ट वन इज ललित विस्तारा। फ्रेंड्स, ये महायान से बिलोंग करता है और ये संस्कृत में लिखी हुई है, और इस टेक्स्ट से हमको जो फर्स्ट सर्मन हुआ था बुद्धा का, उससे पहले जो बुद्धा की लाइफ होती है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, ये सब जो टेक्स्ट हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो 2020 वाला जो 2020 वाला प्रीलिम्स हुआ था उसमें परमितास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी एक तरह के बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, नंबर आता है जैन टेक्स्ट का, इनको क्या बोलते हैं, आगम्स। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो आगम्स होते हैं ये काफ़ी सारे पार्ट्स में होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, अंग, उपंग एंड परिक्रमाज। तो ये तीनों नाम दोस्तों आपको याद रखने होंगे, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, जो जैन टेक्स्ट हैं वो जनरली हमको प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए देखने को मिलते हैं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स, जैन टेक्स्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है, हम जानते हैं कि जो कर्नाटक वाला रीजन था वहाँ पे जैनिज्म काफ़ी डेवलप होता है, तो वहाँ पे जो जैन मॉन्क्स होते थे वो कन्नड़ लैंग्वेज में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। कन्नड़ लिटरेचर में तीन जेम्स माने जाते हैं, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ठीक है। ये जैनिज्म से रिलेटेड बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे, ये दोस्तों आपको याद रखना होगा, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जोरोस्ट्रियन लिटरेचर की, ये लोग कौन होते हैं, जो पारसी लोग होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पारसी धर्म है, रिलीजन है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, और इनका जो सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है वो है अवेस्ता, ठीक है। ये लिखा गया है अवेस्तन लैंग्वेज में, जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट है, आप उसको नहीं पाएंगे, संस्कृत के सिमिलर इसको माना जाता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सिक्किज्म, एंड सिक्किज्म से जुड़े दो सबसे फेमस सेक्रेट टेक्स्ट हैं, आदि ग्रंथ एंड गुरु ग्रंथ साहिब, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी हुई है। अब दोस्तों, ये जो बाकी की स्लाइड्स हैं इसमें मैंने मिडिवल लिटरेचर भी कवर किया है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। अब हम आएंगे जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं एंशियंट इंडिया की, ये टॉपिक हमारा छूटा हुआ था और इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ हमें याद होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ पर है, किस सेंचुरी में थी, किसने बनवाया था, और वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाई जाती थी, किस चीज़ की टीचिंग होती थी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहला है ओदंतापुरी, कहाँ पर है, बिहार में, 8th सेंचुरी, और इसको पेटोनेस था, पाला डायनेस्टी के जो किंग थे, गोपाला वन का। अब फ्रेंड्स, ये जो पाला डायनेस्टी थी ये 8th से 12th सेंचुरी के बीच में हमको देखने को मिलती है। एरिया कौन सा है, बंगाल, एंड जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पे हमको देखने को मिलती है, और ये जब आप मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो होती है सेना डायनेस्टी, इस वाले एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी थी ओदंतापुरी, इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और नालंदा के बाद ये सेकेंड ओल्डेस्ट महाविहार है इंडिया में, ठीक है, जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो मैप है यहाँ पे आप 800 AD में जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं उनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ नॉर्थ में आपको ये जो बिहार बंगाल वाला एरिया, आपको पाला एम्पायर देखने को मिलेगा, और इस समय यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट एम्पायर देखने को मिलेगा, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन किसके कंटेम्प्रेरी या फिर समकालीन होगा। अब सेकेंड यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, ये भी बिहार में है, 8th से 9th सेंचुरी में, वही पाला डायनेस्टी है, किंग धर्मपाला। अब दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पाला डायनेस्टी ने काफ़ी काम किया है बुद्धिज्म में और जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेनली जो वज्रयान सेक्ट है उसके बारे में टीचिंग्स होती थी, इसके अलावा लॉजिक, वेदांत, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। इसको भी डिस्ट्रॉय किया था, जो बख्तियार खिलजी है उसने इसको भी डिस्ट्रॉय किया था।
तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगला आता है जगदाला, 11th से 12th सेंचुरी के बीच में। यहाँ पे आपको वज्रयान सेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब तांत्रिसिज्म। दोस्तों शुरुआत हुई थी हीनयान से, उसके बाद महायान, अब यहाँ पे हमको वज्रयान देखने को मिल रहा है। आप टाइमलाइन भी देखते चलिएगा, उससे आप समझ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो पाला किंग थे रामपाला, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। अब अगला नंबर आता है दोस्तों वलाबी का, 480 से 775 सीई के बीच में, और ये कहाँ पर है, सौराष्ट्र गुजरात में। यहाँ पे हीनयान बुद्धिज्म के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो सेंटर था इसको हेन सांग ने भी विजिट किया था, और इसको जो बनाया गया था वो जो मैत्रका डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनके द्वारा ग्रांट्स दी गई थी, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो गुजरात, हीनयान, हेनसांग एंड मैत्रका डायनेस्टी, ये सब आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट वन आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी। ऐसा माना जाता है कि जब गुप्ता पीरियड था तब भी ये अपने अस्तित्व में या फिर एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। इसकी जो डेट है वो हमको पता नहीं है। जब हर्षवर्धना वाला पीरियड आता है, पाला किंग वाला पीरियड आता है, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट इसमें होता है। यहाँ पे जो तीनों जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन है उसके बारे में पढ़ाई होती थी, लेकिन मेजरली जो महायान सेक्ट है उसकी टीचिंग यहाँ पे होती थी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे वेदाज हो गए, फाइन आर्ट्स हो गया, ग्रामर हो गया, इन सब की पढ़ाई होती थी। और कुछ फेमस स्कॉलर यहाँ से हुए हैं, जैसे कि नागार्जुना, आर्यभट्टा, ठीक है, हेनसांग और आईटी सिंह, इन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था। इसको भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो दोस्तों ये सब बिहार में ही है, ठीक है। और एक के बाद एक हम देखते हैं कि जो इन्वेजन होता है उससे काफ़ी कुछ डैमेज इन सब पे हमको देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, और इसका एग्जिस्टेंस लगभग 5th सेंचुरी BC में। दोस्तों ये BC है, ये AD या फिर CD नहीं है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। काफ़ी पुरानी यह यूनिवर्सिटी है, और ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र यहीं पे लिखी थी। यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीव का, प्रसन्नजीत, वो सब इससे संबंध है उनका। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, वो है कि नालंदा और जो तक्षशिला है इसमें क्या डिफरेंस था। अब फ्रेंड्स आप इसको वन बाय वन समझिएगा कि जो नालंदा है उसको आप एक फॉर्मल सेंस में, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी कह सकते हो, मतलब सिलेबस होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे आप रह सकते हो। जो टीचर्स हैं उनके लिए भी क्वार्टर्स वहाँ पे होंगे। जबकि हम तक्षशिला की अगर बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम हमको देखने को नहीं मिलता है। एक इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपकी एंट्री जो है किसी एग्जाम के माध्यम से नहीं होगी, ठीक है। और जो सिलेबस होगा काफ़ी फ्लेक्सिबल सिलेबस होगा, ठीक है, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। और टीचर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे, बल्कि उनके प्राइवेट क्वार्टर्स अपने घर होते थे, वहीं पे वो लोग पढ़ाते थे। और जिस तरह की कैपेबिलिटी होती थी स्टूडेंट की, उसी के हिसाब से उनका सिलेबस जो है वो डिसाइड करते थे, ठीक है। किसी भी तरह के क्वार्टर्स जो जैसा कि हमको नालंदा में देखने को मिलते हैं, वो हमको तक्षशिला में देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, ठीक है, कि नालंदा एंड तक्षशिला में क्या डिफरेंस है। काफ़ी कुछ डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स हमारा ये जो लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। एंड दोस्तों आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड करने की कोशिश की है। जैसे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है चूल्हा कोका देवता, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा गया है कि ये जो फिगर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चूल्हा कोका देवता का है, तो ये किस आर्ट से इसका संबंध है, मौर्यन, शुंगा, कानवास या फिर मथुरा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे
आपको नीचे एलिफेंट दिख रहा होगा, ये आपको ट्री यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको चूल्हा कोका देवता की इमेज देखने को मिल रही है। इसका संबंध है शुंगा आर्ट से। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसको फर्टिलिटी के देवता भी माना जाता है, ट्री गॉडेस भी कहा जाता है, और जो बरहुट में जो हमको पिलर्स मिले हैं उसमें हमको ये जो चूल्हा कोका देवता हैं इनकी इमेज, इनका स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म साल भंजी का सीन इन एंशियंट इंडिया। अब फ्रेंड्स मैं देखना चाहूँगा कि कौन बंदा मुझे इसका सही जवाब देता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कम लोगों ने ध्यान दिया होगा साल भंजिका के ऊपर। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अ ग्रुप ऑफ एनोनिमस स्कल्पचर फ्रॉम द नंदा पीरियड, सेकेंड वन इज अ टाइप ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द हरप्पन पीरियड डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस, थर्ड वन इज स्कल्पचर ऑफ ए वुमेन विद स्टिलाइज्ड फेमिनाइन फीचर्स स्टैंडिंग नियर ए ट्री एंड ग्रेस्पिंग अ ब्रांच, एंड लास्ट वन इज मुराल पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और जब हमने सांची का स्तूप डिस्कस किया था तब मैंने इसके बारे में बात की थी, एंड फ्रेंड्स ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये साल भंजिका की है, एंड ये जो तोरण पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सेम इमेज हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू मिनिएचर पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नंबर 1, साउथ इंडियन मिनिएचर डिफर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडियन वंस ड्यू टू देयर हैवी यूज ऑफ गोल्ड, मतलब जो साउथ इंडियन पेंटिंग्स हैं उसमें काफ़ी सारा गोल्ड यूज होता है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है या गलत है हमने डिस्कस किया था, तंजोर पेंटिंग हमने देखी थी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 2 क्या है, साउथ इंडियन मिनिएचर्स कंसंट्रेटेड ऑन पेंटिंग द रूलर्स, मतलब वहाँ पे मेन फोकस था कि जो किंग है, जो रूलर हैं उनका पेंटिंग आप बनाओ। फ्रेंड्स ऐसा तो नॉर्थ में होता था, साउथ में तो जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे, ठीक है, उनकी पेंटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें एलोरा केव से जुड़े 3 स्टेटमेंट हमको दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। नंबर 1, एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। फ्रेंड्स ये सही है गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अजंता केव्स थी केवल वो बुद्धिज्म से उनका रिलेशन था, जबकि जो एलोरा केव हैं उनका रिलेशन तीनों ही रिलीजन के साथ था। अब जो एलोरा केव हैं उनका यूनिक जो अचीवमेंट है वो है डबल स्टोरीड केव्स, मतलब 2 मंजिला केव्स हमको देखने को मिलती हैं, जबकि अजंता में आपको 1 मंजिला सिंगल स्टोरीड केव्स ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसका इमेज मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स एलोरा में हमको ट्रिपल स्टोरीड केव्स देखने को मिलती है और वो उसका यूनिक अचीवमेंट है, जबकि अजंता में हमको सिंगल एंड डबल दोनों ही देखने को मिलती हैं। ये हम अगली स्लाइड में इसकी जो इमेज है वो भी देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो जैन केव है एलोरा की उनका संबंध श्वेतांबर सेक्ट के साथ है। दोस्तों बताइए सही है कि गलत है, ये गलत है, इसका संबंध है दिगंबर सेक्ट के साथ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 ओनली, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स देखिए ये वो ट्रिपल स्टोरी केव्स हैं जिसकी बात मैं कर रहा था और ये हमको एलोरा में देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हमसे लैंग्वेज के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि लैंग्वेज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर सब ग्रुप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो मेजोरिटी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं उनका रिलेशन है इंडो आर्यन ग्रुप से। फ्रेंड्स ये सही है कि गलत है, ये सही है, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद 74% था, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिक्किमीज एंड असमीज इनका संबंध है साइनो तिब्बतन ग्रुप के साथ। अब दोस्तों बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और तीसरा क्या है कि जो ऑस्ट्रिक ग्रुप है लैंग्वेज का, वो इंडो आर्यन से भी काफ़ी पुराना है फ्रेंड। ये तो हमने डिस्कस किया था, ये सही है। अब दोस्तों, ये जो असमीज जो लैंग्वेज है, ये बिलोंग करती है इंडो आर्यन से ही, ठीक है। इसका संबंध साइनो तिब्बतन से नहीं है, ठीक है। केवल सिकमीज जो है उसका रिलेशन है, तो यहाँ पे घुमाने की कोशिश की है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 3 ओनली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नंबर 1 कि जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो वाइट स्पॉटेड रेड स्टोन के बनाए गए हैं। एंड दोस्तों, ये तो आप बिना पढ़े ही बता देंगे कि सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट वॉज प्योरली इंडिजिनस। फ्रेंड्स, ये बताइए सही है कि गलत है? इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ये प्योरली इंडिजिनस नेचर का था। तीसरा क्या है कि इसमें हीन यान बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस मिलता है या उससे इंस्पायर्ड है। फ्रेंड्स, हीन यान तो इमेज वर्शिप में भरोसा ही नहीं करता था, ठीक है, वो तो हमको महायान में देखने को मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है कि पटिक का समुपदा इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल काफ़ी पूछ रहा है, कुछ अजीब सा नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, बुद्धिज्म। और जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हमने उसमें कॉजेज ऑफ सफरिंग, दुखा की बात की थी, तो वही चीज़ पूछी गई है, केवल नाम दूसरा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। सबसे पहला, शिखर इज नोन ए जगमोहन। अब दोस्तों देखिए, ये हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। अब कोई बंदा अगर इसको गलत कर रहा है तो टीचर का क्या कसूर है? टीचर ने तो सही से पढ़ाया था, आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है। फ्रेंड्स, शिखर को जगमोहन नहीं बोलते थे, बल्कि मंडप के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको जगमोहन कहा जाता था। लाइक नागर स्कूल, टेम्पल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द बाउंड्री वॉल। फ्रेंड्स, इसमें तो हमको बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, हमने काफ़ी टेम्पल्स की इमेज भी देखी थी, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको कुछ केव्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि 2 रिलीजियस थीम्स हैं, एक तो कल्याण सुंदरम की और दूसरी है अंधकासुर वधा, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई असुर होगा उसका वध किया जा रहा है, और कल्याण सुंदरम, इस वाली थीम की इमेजेस या स्कल्पचर हमको किस केव में मिलते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलोरा केव्स। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं कल्याण सुंदरम की, तो फ्रेंड्स, कल्याण सुंदरम का मतलब है कि जो शिव और पार्वती की जो वेडिंग हो रही है, जो उनकी शादी हो रही है, जो पाणी ग्रहण संस्कार, ये देखिए इनके हाथ मिले हुए हैं, इस थीम को कहा गया है कल्याण सुंदरम। एंड दोस्तों, इसी लेक्चर में हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ये है अंधकासुर वधा का, और ये दोनों हमको एलोरा में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एलोरा के अलावा एक जगह और है जहाँ पर भी ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल्याण सुंदरम, ठीक है, और अंधकासुर वधा, इसको आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमको बताना है कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग वज्रयान बुद्धिज्म इन तिब्बत अराउंड 8th century CE। ही वॉज ए मिशनरी मॉन्क हु वेंट फ्रॉम नालंदा टू कन्वर्ट तिब्बतंस टू बुद्धिज्म इन द 8th century। इसको सेकेंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, ये किसके बारे में बात हो रही है? हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बात हो रही है पद्म संभवा की, जिसको गुरु रिन पोचे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, गुरु रिन पोचे के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि जो मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, मार्कंडेश्वर, फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था,
तो आज काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है कि ये जो टेम्पल्स हैं, ये जो रिवर है वेन गंगा, उसके बैंक, उसके किनारे पर लोकेटेड हैं। दूसरा, इनका संबंध, इनका रिलेशन द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये इमेज है मार्कंडेश्वर, जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, आप देख सकते हैं। इसका जो शिखर है ये डैमेज हो चुका है, इस पे लाइट का स्ट्राइक हुआ था, इस वजह से ये डैमेज हो गया था। अब दोस्तों, ये जो टेम्पल्स हैं, इनको मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, या फिर खजुराहो ऑफ विदर्भा। ये आपको याद रखना होगा कहाँ पर है, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, ठीक है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है और नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल में इसको शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्ट इन सेकेंड सेंचुरी BC। और क्या एग्जाम्पल है? ड्वार्फिश यक्ष, जिसने एक बोल, एक कलश जो है वो अपने सिर पे रखा हुआ है, ठीक है। और हमको बताना है कि वो किस केव में हमको मिला है। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर है पिथाल कोरा केव्स। ये आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स, ये वो फिगर है, स्कल्पचर है जो हमको मिला है पिथाल कोरा केव से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ड्वार्फिश यक्ष है और सिर पे इसने एक कलश टाइप इसने रखा हुआ है। आपको काफ़ी सारे एमुलेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्माइलिंग एक फेस इसका देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? ये मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड पे जो इसके जिसने इस स्कल्पचर को बनाया था, उसका भी नाम लिखा हुआ है, और वो नाम क्या है? कृष्णदासा, जो कि एक गोल्ड स्मिथ थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, शुंगा आर्ट से रिलेटेड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें वेसरा स्टाइल से संबंधित दो सवाल पूछे गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ नागरा एंड द्रविडियन स्कूल। फ्रेंड्स, ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। दूसरा, होयसाला, राष्ट्रकूटा एंड पल्लवाज, उन्होंने इस स्कूल को पैट्रोनाइज किया था। अब दोस्तों देखिए, यहीं पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। होयसाला सही बात है, राष्ट्रकूटा सही बात है, पल्लवाज, फ्रेंड्स पल्लवाज का तो अपना अलग ही आर्किटेक्चर था, ठीक है, जबकि यहां पे आएगा चालुक्याज। तो दोस्तों, इतनी गहराई से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको देखते समझ में आ जाए कि कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे घुमाने की कोशिश की है। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? वन ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एलिफेंटा केव्स के बारे में बात की गई है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया है। दो स्टेटमेंट दिए गए। नंबर वन, एक्सक्लूसिवली जो शेविजम है उसको डिपिक्ट किया गया है, और अजंता के उसके कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन है। दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बुद्धिज्म एंड शेविज्म दोनों ही देखने को मिलेगा, और ये एलोरा के उसके कंटेम्प्रेरी है, ना कि अजंता के उसके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जवाब क्या है? एलोरा केव्स। अब दोस्तों, अगर आप कभी मुंबई घूमने गए हैं, अगर आपने होटल ताज देखा है, तो उसके जस्ट सामने आपको गेटवे ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, और वहीं से आपको बोट मिलेगी, उसी बोट पे आप बैठोगे और वो बोट आपको लेके जाएगी एलिफेंटा केव्स पे। मतलब ये एक आइलैंड है, उस आइलैंड में हमको ये एलिफेंटा केव्स देखने को मिलती है। इनका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? घरा पुरीची लेनी, या फिर घरा पुरी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म और जो हिंदू केव्स है शैविज्म, वो आपको देखने को मिलती है, एलोरा के कंटेम्प्ररी है। और ऐसा माना जाता है कि जो पुलकेशिन सेकंड थे, उन्होंने लॉर्ड शिवा की जो श्राइन है उसको बनवाया था। अब दोस्तों, इसमें इमेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कल्पचर हमको देखने को मिलते हैं। ये तो वो केव है जो आप इस
इमेज में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको त्रिमूर्ति दिख रही होगी, ठीक है, आपको तीन फेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हिंदुइज्म से इसका संबंध है। अब दोस्तों इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप शिवलिंग देख रहे होंगे। फ्रेंड्स ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो स्कल्पचर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही फेमस स्कल्पचर है और यह है अर्धनारीश्वर का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस स्कल्पचर में, ठीक है, कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के ही फीचर एक ही इमेज में बना दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो स्कल्पचर है, यहाँ पे आप मुझे बताइए ये कौन सा स्कल्पचर है, ये हमने भी डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये शिवा एंड पार्वती हैं और ये इनका पाणि ग्रहण संस्कार यहाँ पे हो रहा है। एंड दोस्तों इसको हमने क्या कहा था, कल्याण सुंदर शिवा, ठीक है, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने बात की थी अंधकासुर वधा की, वो वाला स्कल्पचर भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है शिवा इन नटराज, जब वो डांस करते थे नटराज की भूमिका में, तो वो स्कल्पचर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे शिवा एक योगी की पोजीशन में हमको मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो ये वाला है, यहाँ पे आपको ऊपर भगवान शिव दिख रहे हैं, लॉर्ड शिवा, और नीचे रावण है, और ये वही सेम सीन है, ठीक है, रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा, ये हमने कहाँ देखा था, जब हम एलोरा केव्स की बात करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये केव है और हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आज का आखिरी सवाल, इसमें सांची स्तूपा के बारे में तीन सॉरी चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि भाई ये जो प्रेजेंट स्तूपा है सांची में, उसका कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई थी अशोक के पीरियड में। अब दोस्तों ये तो सही बात है, ठीक है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि बुद्धा नेवर विजिटेड सांची। अब दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि बुद्धा ने कहाँ कहाँ विजिट किया था और उसमें सांची का नाम तो नहीं था, ठीक है, ये सवाल पूछा जा चुका था प्रीलिम्स में कि बुद्धा ने किस किस एरिया को विजिट किया था, ठीक है, तो ये तो गलत है। जो तोरणा है उनको बनाया गया है शुंगा पीरियड में। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो तोरण है वो सातवाहन पीरियड में बनाए गए थे। अब दोस्तों अगला आता है द सांची स्कल्पचर आर लाइक बरहुट स्कल्पचर एंटायरली नेचुरिस्टिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन फॉर्म। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्कल्पचर बनाए गए हैं उनको ह्यूमन फॉर्म में, जिस तरह से ह्यूमन नेचुरल फॉर्म में होते हैं वैसे ही बताए गए हैं, किसी तरह का देवत्व उसमें नहीं बताया गया है। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमको ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है, दूसरा भी सही है, और ये मैंने ये गलत मार्क मार दिया, ये भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4 मीन्स ऑप्शन सी। अब दोस्तों हमारा ये लेक्चर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ मैं आपके लिए, आई होप आपको कुछ आपकी नॉलेज में एडवांसमेंट हुआ होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।